तांत्रिकों का गढ़ और जानवरों की बलि देने के लिए प्रसिद्ध तीर्थरसमय मंदिर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज कामाख्या देवी मंदिर की। तो चलिए चलते हैं। अगर आप सच में अपने आप को एक आध्यात्मिक या धार्मिक व्यक्ति मानते हैं तो आपको एक बार लाइफ में एक बार असम की कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन जरूर से जरूर करने चाहिए। अपनी दो दिन की एक छोटी सी गुवाहाटी यात्रा के दौरान हम भी गए इस अनोखे मंदिर में, और हमारे यहाँ जाने की एक खतरनाक टाइमिंग थी, वो थी अंबुमाची महाकुंभ मेले के दौरान की। अब खतरनाक क्यों था ये मेले का टाइम, वो अभी हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। तो जी, टैक्सी करके हम पहुंच गए नीलांचल पर्वत की गोद में। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमने लिया थोड़ा प्रसाद और यहाँ रखे अपने जूते चप्पल। लेकिन आज लग रहा है मुहूर्त नहीं है हमारा सही सा, मुख्य दर्शन आज भी हमारे शायद नहीं हो पाएंगे। दोपहर का टाइम इस समय चल रहा है और मंदिर के मुख्य जो दर्शन है वो अभी बंद हैं, खुलेंगे उसके बाद भी 6-7 घंटे लग जाएंगे। कोई नहीं, अभी फ़िलहाल मंदिर के बाहर के और आसपास के दर्शन करते हैं। ये जो आप मंदिर की संरचना देख रहे हो, ये जो मेन संरचना जो आपको सामने दिखाई दे रही है, इसी के भीतर भगवती की महामुद्रा यानी कि योनि कुंड स्थित है। जी हाँ, यहाँ मंदिर में योनि पूजा की एक अनूठी परंपरा है। अब ये क्यों है, क्या है, ये अब ये मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊँगा। आप में से ज़्यादातर लोग शायद जानते भी होंगे। ये छोटे छोटे आप अन्य मंदिर भी देख सकते हो बने हुए हैं। बाकी ये शायद सूचना केंद्र है, यहाँ से आप इंफॉर्मेशन वगैरह मंदिर के बारे में ले सकते हो। यहाँ आगे बगल में ही वॉशरूम और पीने के पानी की व्यवस्था भी बनी दिख रही है। और हम देख पा रहे हैं कि मुख्य मंदिर के आसपास लोग जो हैं वो फोटो खींचने में लगे हुए हैं। और आई थिंक ये जो स्थान है ये लोगों के रेस्ट के लिए बना है, यहाँ आप आराम करिए। यहाँ आप देख सकते हो ढेर सारे कबूतर हैं और इन्हें यहाँ पर दान में लोग आते हैं देते हैं, कबूतरों का दान भी चढ़ता है यहाँ पे। और ये आप भक्तों की लगी हुई लाइन देख सकते हो, अभी आफ्टरनून है, अभी दर्शन खुलने वाले हैं तो उससे पहले लाइन लगी हुई है। ये वो स्थान है जहाँ पर नारियल चढ़ाया जाता है और ये वो स्थान है जहाँ दिए और अगरबत्ती जलाए जाते हैं। ये मंदिर के सामने ही एक तरह से है, यहाँ मंदिर को देखते हुए ये चीज़ें चलाई जाती हैं यहाँ पे। चलिए और आगे चलते हैं। पीछे की साइड में वेटिंग हॉल बना रखा है भक्तों के लिए। और आपको बता दूं कि ये जो टिकट है स्पेशल दर्शन का, ये 501 रुपये में मिल रहा है और इससे आपके जनरली 2-3 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। लेकिन ये टिकट लेने के लिए मॉर्निंग से ही लाइनें लगती हैं और 1-2 घंटे में ही बताते हैं यहाँ पे टिकट मिलना बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं सारे टिकट। यहाँ पीछे की साइड में एक बलि घर है जिसमें अभी कुछ टाइम पहले एक बलि दी गई थी और उस बलि को मैंने देखा, और बल्कि मैं वीडियो बना रहा था तो मुझे मना कर दिया। फिर मैं पीछे की साइड से एक जगह थी वहाँ से मैंने उसका वीडियो बनाया है छुप करके, और मैं इसमें आपको दिखाना तो चाह रहा हूँ लेकिन दिखा नहीं पाऊँगा पूरा का पूरा वीडियो, थोड़ा सा उसका अंश जो है वो अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो कि लोग बड़ी श्रद्धा से उस लकड़ी को जिसमें अभी जानवर का गला फंसाया गया था, शायद वो बछड़ा वगैरह था भैंस का, और उस लकड़ी को उस जगह को पूछ रहे हैं। ये ऊपर की साइड में जो आपको लोग दिख रहे हैं जो कि लाइन में लगे हुए हैं, ये सामान्य लाइन है और हमें पता लग गया था कि इस लाइन में अभी आपका नंबर 5-6 घंटे में आ रहा है, इसलिए फ़िलहाल हम उस लाइन में नहीं लग रहे हैं, अभी हम यहीं पे ही हैं। ये मंदिर का एक और गेट है और अब दर्शन शुरू हो चुके हैं। आफ्टरनून में बंद होता है 2:30 या 3 बजे मंदिर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। और चलिए देखते हैं इस गेट से अंदर जाके कि क्या हम अंदर तक जा पाएंगे इस गेट से।
अभी हम इसके अंदर दर्शन करके आ चुके हैं। यहाँ पर माता की एक छोटी सी प्रतिमा थी जिसके दर्शन कराए जा रहे थे। दीवार के पीछे मुख्य मंदिर था, इस जगह ये जगह थी जहाँ हमने दर्शन किए। तो हमने वहीं से एक पंडित जी को लिया, उनसे पूजा पाठ करवा ली और पंडित जी को अभी अपना प्रसाद दे दिया है, जिसे ले करके वो अभी मुख्य गर्भगृह चले गए हैं। वहाँ पे वो चढ़ा करके हमारा प्रसाद वापस लाएंगे। यहाँ हमें बंदर भी दिखे हैं, कबूतर तो दिख ही रहे हैं और बकरियां भी खूब दिख रही हैं। ये जो आप दूसरे नंबर पर गुंबद देख रहे हो, यहाँ अभी हम होकर आए हैं और इसी से टच करता हुआ उसके बगल वाला मुख्य मंदिर है। यहाँ पीछे एक जलाशय है, चलिए उसे देखते हैं। यहाँ भगवती माँ की एक सुंदर प्रतिमा दिख रही है, चलिए चल के देखते हैं। यहाँ आप ढेर सारे कबूतर देख सकते हो, जो कि बताया जाता है कि दिन भर ये लोग यहीं रहते हैं और नाइट के टाइम पे सामने एक पेड़ है वहाँ चले जाते हैं। और इनके बारे में आपको बता दूं कि इनकी भी बलि मंदिर में दी जाती है। खास तौर पे यहाँ पर बताया जाता है कि 3 दिन चलता है कोई उत्सव, देवधानी उत्सव। उस उत्सव में कबूतरों की जिस तरह से बलि दी जाती है, वो जो मंजर होता है वो काफ़ी विचलित कर देने वाला होता है। इसमें जो पुजारी होते हैं वो एक पारंपरिक डांस होता है वो करते हैं, वो 3 दिन तक देवी को खुश करने के लिए। और उस पारंपरिक डांस को करते हुए पुजारी अपने मुंह में जिंदा कबूतरों को रखते हैं और वो मुँह से ही बलि दे देते हैं काट करके। ये दृश्य वाकई विचलित करने वाला होता होगा, लेकिन ये परंपरा इस प्राचीन मंदिर में सैकड़ों सालों से चल रही है। ये जो मैं पूरा चक्कर काट रहा हूँ, यही मुख्य मंदिर है। बाकी बात की जाए मंदिर की, तो कामाख्या देवी मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है, प्रमुख शक्तिपीठ है। बल्कि यहाँ माता सती की योनि गिरी थी ऐसा माना जाता है, जिससे हुई थी एक मूर्ति या एक अंदर एक संरचना है उसकी उत्पत्ति। और माता की यह प्रतिमा या संरचना ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष जून के महीनों में रजस्वला होती है, यानी कि उस प्रतिमा में मासिक धर्म होता है। और उस समय इस मंदिर समय जितने भी गुवाहाटी के जितने भी मंदिर हैं, जितने भी शुभ कार्य हैं, वो बंद कर दिए जाते हैं। और इसी टाइम पर इस जगह पर अंबुमाछी मेला लगता है और लगभग उसी टाइम पर हम यहाँ आ रखे हैं। अभी से जस्ट 3 दिन पहले ही मंदिर 3 दिनों के लिए बंद था और उसके बाद भक्तों की यहाँ पर भारी भीड़ लगती है, जैसा कि आज भी हम देख पा रहे हैं। ऐसा भी देखा जाता है इसी जून के महीने में, जब हम इस टाइम पे आ रखे हैं, कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी खासतौर पे उन 3 दिनों के लिए खून की तरह लाल हो जाता है। इसे लेकर मान्यता है कि जो कि मैंने आपको अभी बताई भी थी कि इस दौरान कामाख्या देवी मासिक चक्र में रहती हैं और इसी दौरान कामाख्या देवी के बहते रक्त से पूरी ब्रह्मपुत्र नदी का रंग लाल हो जाता है। यहाँ हम बच्चों को देख पा रहे हैं कि इन कबूतरों के साथ ये आसानी से खेल पा रहे हैं। इसके बाद हमने मंदिर प्रांगण में 3-4-5 घंटे और बिताए और मंदिर में होते कई क्रियाकलापों के यहाँ पे साक्षी बने। उनमें से ये भी क्रियाकलाप था जो हमने यहाँ पर देखा। ये ट्रांसजेंडर हैं, इन्हें माता के वेश में लाया गया यहाँ और ये तरह तरह के नृत्य कर रही हैं और इन्हें माता मानते हुए यहाँ के लोग इनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। इस तरह से पूरा दिन यहाँ हमने कामाख्या माता के प्रांगण में बिताया और महसूस करने की कोशिश की उस अदृश्य शक्ति को जिसे कामाख्या देवी कहते हैं। फाइनली रात हो गई और अब हम यहाँ मुख्य सड़क तक आप देख पा रहे हो कि आ चुके हैं और यहाँ से अपना सामान इस लॉकर रूम से ले रहे हैं। लास्टली अब हमने एक ऑटो कर लिया है और अब देवी स्थान से विदा लेकर हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट। बाकी उम्मीद है आपको हमारा ये रोमांचक वीडियो कुछ खास लगा होगा। वीडियो के लाइक और शेयर की तो उम्मीद हम करते ही आपसे, लेकिन मेनली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।